yani iş sanatı şey, bir şeyi rivayet üzerine geliştirebiliyor. İçine şiir, sefa, amin. Amin o işte kabile kimar. Kabile kimar. Amin ki kebane ki kabile kimar. Dönü mutlaka bir mesele. Ye unuhane apne ustaz ki şan ne, ye lamze istemal kiye ki mere ustaz ki sefa ne, jo ama amin ne, unuhane ikram kiya ki iş sanat se mene ki müzik şeyi padi. तो इस जुमले के आयन हैं उमर इब्न तवर्जन बगदादी पर शेख उस जिकार से मुराद है पैरवी करो ये मेरे नजदीक जाहिर मतलब है वक्त यह इस्तेमाल आता भाषा के नहीं करते हैं जिसका दिमाग खराब हो वो जो पढ़ते हो तो अकर रबी शेख उस जिकार से अमीन हो قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي أبو عيسى الترمذي कोई ये कहे कि अबू ईसा तो कोई ये सबसे कि एक हदीस में ममानियत आई है जवाब ये है कि वो ममानियत القبیل آزاد کچھ چیزیں سجیب کے کی چیز ہوتا جب بنے سجیب الگ جمع آزاد سجیب کا بنی وہ ہمارے القبیل آزاد وہ نئی شرعی نہیں ہے کہ اگر کوئی ابو عیسیٰ قومیت رکھتا ہے تو گنہ گار ہو نہیں آزاد نہیں چاہیے कि वो इस तरह का लगता था एक आदमी ने अपनी कुली अबू मोहम्मद तो जाहिर है कि मोहम्मद इसका अपना लड़का है उसका बाप लेकिन मुसलमानों में मोहम्मद लगते थे हुजूर की तरफ जाया जाता है तू हुजूर का बाप ना जाए कि मैं अबू मोहम्मद तू हुजूर का बाप ये बेहू के दर्जे में ये बात ध्यान में आती है लिहाजा आदाब शरीफे के बाद में एक आदमी अपनी कुली अबू मोहम्मद में रखे अगर ये मुरादी नहीं पूरा तो उसका के काम हम करते हैं उसका बात है मगर जब भी इंसान काम करता है तो उसके लिए एकदम जहन आ जाता है जाते एक्टर की तरफ तो अब ऐसी कोई नहीं है रखना कि आप चलाते हैं लेकिन अगर कोई रखते इसी तरीके से ईसा लगता है ईसा की तरफ जाता है अब वो ईसा ने ईसा का बाप अरे ईसा ने ईसा का बाप था कहाँ ईसा ने ईसा तो बगैर बात के पैदा हुए हैं हालांकि इसकी मुराद अबू ईसा जैसी कुंजियत रखती है उससे ईसा से मतलब ऐसा लगता है और लगते हैं ये बात है मगर एक जरूरी तौर पर वही जाता है लिहाजा किस तरह की चीज है तहजीब के लिए अदब के खिलाफ लेकिन अगर कोई रखता है तो चलते हैं इसकी मिसाल حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آقا کو مولا نہ کہے رب نہ کہے مولا لفظ نہیں کوئی شخص اپنے آقا کو رب نہ کہے حالانکہ رب لفظ رب کا استعمال بے نماز میں میرا عربی میں ہوتا ہے وزیر داخلہ کو کیا کہتے ہیں ربت البیت جو وزیر داخلہ ہے اس کا نام ہے عظیم ربت البیت تو یہ رب کا مؤنث استعمال ہو ربت البیت آپ کا کاروبار سے نہ جو پارٹنر ہے اس نے پیسے دیے ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا وہ جو باس ہے جس نے پیسے دیے ہیں وہ کون ہے رب المال اگر آپ دھلے تھے تو رب کا استعمال بہت کثرت سے کہ جب ہمارا جس نے مجھے پیسے دیے ہیں میں کاروبار کر رہا ہوں یہ میرا رب المال ہے تو جو غلام کا آقا ہے تو اس کا رب کیوں نہیں مگر یہ پیسے دینے والے میرا کوئی مال لفظ استعمال کرنا ہو تو کبھی اتفاق استعمال کرنا پڑے گا اور یہ تو روز آقا سے کہے گا نام یا ربی نام یا ربی لا یا ربی جو وہ کچھ پوچھنے کا تو نام اور نہ کہنا نہ کرنا پڑے گا اب یہ لفظ رب سن کر کے فوراً ذہن اللہ پاک کی طرف جاتا ہے
Lehada aku ini jadi orang kita ini malu. Kenapa dia jadi itu dia kenal? Orang pun malu. Tapi kaya kaya ini malu. Jadi orang yang nak berbuat ini. तो कुछ नहीं होती है जो अल-कबीले आदाब होती है खलीफा मंसी के कबीले से होती है अबू ईसा को नियत रखने की जो हुजूर ने मना किया है वो नहीं शरई नहीं है बल्कि एक अदब से खुला है बस भी नफसे ही अगर कोई नियत रखे तो जाएंगे जैसे कि रखिए फिर सवाल पैदा होता है जब हुजूर ने खलीफा सिखाया है ईमान की मीडिया एक जहां की नियत रखी क्यों जवाब है कि नियत आदमी खुद नहीं रखा था नियत दूसरे रखा था हमारे हिंदू सारे सोचो अरब को महावर को सोचो नियत दूसरे रखते हैं खुद आदमी की रखते जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो फैशनेबल जमाने शहरों के हैं वो तो बीवी को नाम देकर बुलाएंगे बीवी शौहर को नाम देकर बुलाएंगे बेतहजीबी और बेतहजीबी देहातों में अभी तहजीब शौहर बीवी से कहेगा फुला की माँ और बीवी शौहर से कहेगी फुला के अब्बा ये फुला की माँ और फुला के अब्बा ये तो कुनियत है कुनियत क्या होती है फुला की माँ उनमें सदा माँ ये तो कुनियत है और फुला के अब्बा ये तो कुनियत है तो कुनियत हमेशा दूसरे रखा करते हैं और आमतौर पर जो बेटी की औलाद होती है चाहे लड़का हो या लड़की हो उसी से पुकारा जाता है फुला की माँ और फुला के अप्पा कहेंगे तो जो सबसे बड़ी औलाद है उसी का नाम जो बोला जाता है तो अब हजरत का ये साहिबजादे सबसे बड़े ईसाई हो कि तो लोगों ने अपने ईसा अपने ईसा कहने शुरू कर दिया हजरत का इसमें गरा मोहम्मद और वालिद का नाम है ईसा ये क्या बात है दादा भी ईसा और छोटा भी ईसा हजरत के अब्बा भी ईसा और हजरत का बेटा भी ईसा ये क्या बात है ये अरबों का एक माहौल है और आज भी है वो ये है कि बाप का नाम औलाद में वो जरूर लाते हैं अपनी किसी न किसी औलाद का नाम वो रखते हैं जो बाप का नाम जरूर लाए और उनके नजदीक ये बाप का तज़किरा बाकी रखने के लिए ऐसा करते हैं और अगर कई नस्लों तक बाप का नाम ही नहीं औलाद में आएगा तो बाप भूल जाएंगे लोग इसलिए अरबों के यहाँ आप देखें कि आज भी बहुत मिसालें मिलेंगी कि जो दादा का नाम वो पोते का नाम मेरे उस काम मिस्र के पास हो गया अल्लाह ताला जन्नत में बहुत बुलंद दर्जे अता फरमाए उनका नाम था महमूद अब्दुल वहाब महमूद मिस्र में ये कानून थे अगर एक नाम ही इस्तेमाल कर सकते तीन नाम एक साथ इस्तेमाल करने जरूरी आदमी माँ और दादा मुसलस नाम वहां लेना जरूरी है कानून है मित्र का ये कानून आपसे पूरे मत मुंह बात तीन आपके लिए जरूरी बात तीन नाम एक साथ बताए अपना अपने वालिद का अपने दादा का ये तीन नाम एक साथ बताना वाका कानून तो हजरत का नाम था महमूद अब्दुल वहाब महमूद हजरत का नाम महमूद उनके अब्बा का नाम अब्दुल वहाब और उनके दादा का नाम महमूद तो ये अरबों के यहाँ मिजाज है आज भी वो उनके यहाँ है तो यही उस मिजाज के मुताबिक जो बाप का नाम है वही हजरत ने अपने बेटे का नाम बताया इसलिए अबू ईसा भी है और इब्ने ईसा भी है दादा का नाम है कौरा अल्लाह जाने ये नाम किसने रखा होगा क्यों रखा होगा रखा होगा लफ्ज सौर उनके अरबी के अरबी में माना है तेजी किसी भी चीज में तेजी हो उसे सौर रुकन कहते हैं ये नाम उनका क्यों रखा गया रखा गया हो फिर उनके अब्बा जो है वो मूसा फिर हजरत की नस्बत है तिर्मिज़ी इस लफ्ज का तलब मुझे मुख्य तरह से होता है आमतौर पर जो अब तलब मुझे है वो शहर का नाम है तिल मिल देखा दीजिए मिल का भी है और हम उर्दू वाली जो है वो बिजली भी बीवी बोलते हैं और जो ये शहर आती है उस शहर को भी बिजली भी कहते हैं और ये शहर पहले तो उसमें
अब उसने जो पांच मुल्क छोड़ दिए हैं उनमें से किसी मुल्क में है, बिल्कुल किसान में नहीं, उनका पड़ोसी जो मुल्क है उसमें है, पता नहीं कजाकिस्तान है या पाकिस्तान है। दुनिया का नक्शा भी रखोगे सामने तो दुनिया के नक्शे में जो आप उससे अफगानिस्तान से शिमाल की तरफ नजर डालोगे तो एक नदी जा रही हो और वो आगे जाकर एक मदीने में गिर रही हो। ये जो नदी जाकर मदीने में गिर रही है, इस नदी पर, नदी के किनारे पर ये शहर है आज भी। हजरत उस शहर के मुजाफात में गाँव का मुंह ये वावर बैन है, उस मुंह गाँव के और इसीलिए हजरत की दूसरी नस्बत है बूरी मट्टी भी पशु के जिला है, यहाँ धर्म धीरे की तरफ शुक्र के लिए दीदी कहा जाता है और हकीकत का हजरत गाँव का बूरी। और अब माफी दीदी अरे रहमान की खबर मजार उनका मौजूद है और वो मजार की वही रूप में जो उनका असल गाँव है उसी गाँव के अंदर अपनी मजार है। वो हजरत का इंतकाल हुआ है सन 280 में, एक साल कम कर दो 79, सन 279 हिजरी में हजरत का इंतकाल हुआ है। पैदा कब हुए हैं वो हम कभी ध्यान, पैदा हुए थे कि क्यों मरे, अगर पैदा ही ना होते तो कैसे मरते, पैदा कब हुए थे मालूम नहीं, वफात का जो सन है वो ये। जब आपको पैदा होने का सन मालूम नहीं है तो वफात का बताने क्या जरूरत है। इसका जवाब ये है कि सन वफात जानने से फायदा ये होता है कि आदमी का जमाना मुकय्यन होता है, पर जमाना मुकय्यन होने से उसकी किताब का जमाना मुकय्यन होता है कि किताब किस जमाने की लिखी, यानी जब मरने से पहले आदमी नहीं लिखती, मरने से पहले लिखती है तो मुसन्निफ का जमाना और मुसन्निफ का जमाना भी मौजूद नहीं। असल मकसूद तो किताब का जमाना मुतय्यन करना है कि किताब जो आप पढ़ रहे हैं जमाने की लिखती है। इस पर मैं तफसीली गुफ्तगु कर चुका हूँ कि ये जिसके तीसरे दौर और तीसरा दौर पूरी 20वीं सदी में जितनी किताबें लिखी गई हैं वो तस्वीर है जिसके तीसरे दौर की है, तीसरे दौर। एक बात मशहूर ये है कि इमाम सिद्दीकी अलैहि रहमान मादरनाथ नादीना पैदा हुए, ये बात सही नहीं। जिसे लोगों में किताबों में मशहूर है वो अपनी किताब में आप पढ़ेंगे हजरत पैदाई के नादीना थे, ये बात सही नहीं। हजरत दीना और आखिरी उम्र में हजरत नादीना हो, नादीना क्यों हो गए आदम ने अशबाब में कहते हैं कि इमाम बुखारी अलैहिस्सलाम की वफात का सदमा इतना हुआ था, ये बुखारा और दिल्ली के दरमियान में फासला इतना छोड़ न चाहिए, इतना मीरठ और सहारनपुर में, मीरठ और सहारनपुर में इतना फासला है जितना भी फासला बुखारा और दिल्ली से, तो तकरीबन हम बदल समझेंगे इमाम बुखारी अलैहि रहमा और इमाम सिद्दीकी अलैहि रहमा दोनों को बदल। इमाम सिद्दीकी शादी है और बेहद शिक्षा का किया है उन्होंने इमाम बुखारी को, इसलिए उनकी वफात पर हजरत को बहुत सदमा हुआ और रोते रोते हजरत की आंखें खत्म हो गई। ये किताबों में लिखा हुआ है, ये सुबह बन सकता है तो और भी सुबह बन सकता है, हर आदमी उम्र में हजरत नादीना हो। ये मैंने इसलिए कहा ये सबक भी हो सकता है तो और सबक भी हो सकता है, इसलिए रोते नादीना हो जाता है ये किप वाले नहीं मानते, किप वाली बात को नहीं मानते कि रोने से कोई नादीना हो जाए, रोने से नादीना कोई होता है तो आंखें धुलती धुलकर और आंखें धुलकर साफ होती रोने से, इसलिए कभी कभी रोना चाहिए, रोना से आंखों के लिए बहुत मुफीद है, रोना आंखों के लिए बहुत मुफीद है, इससे आंखों के मतामा सुनते हैं और आंखें धूल कर साफ होती है, इसलिए हफ्ते में न सही महीने में एक मरतबा हो बीवी को याद करो और या अल्लाह के खौफ से हो
मैंने आंखें साफ हो, इसलिए मैंने ये बात कही कि अल्लाह जाने की हकीकत क्या है। हो सकता है यही सबब बना हो सकता है उसके साथ कोई दूसरा भी सबब बना हो, यही बात सही ये हजरत नाबीना आपके ही उम्र में हो रहे हैं, पैदा इसके नाबीना ने कितनी किताबें थी अल्लाह जाने कितनी किताबें, तीन किताबों और चार किताबों का तारुफ एक बिल्ली जो आप पढ़ रहे हैं जिसको आप पीली शरीफ कहते हैं, इसका शुमार सुनने में भी और जानने में भी, जानने के लिए टीवी से कहते हैं और सुनने में शरीफ भी कहते हैं, दोनों वस्तु इसके अंदर रखते हैं। सोनन किसे कहते हैं? सोनन उसे कहते हैं जिसमें मुस्तदलात फुकहा इकट्ठा किए गए। इब्नी शरीफ में फुकहा ने किराम के जितने मुस्तदलात इकट्ठा किए हैं सोनन अरबाब में से किसी सोनन में शायद इतने न हो। अगर इसकी बराबरी कोई किताब कर सकती है तो सोनन अबू दाऊद कर सकते, मुस्तदलात फुकहा की बड़ी मिलता इसमें कुछ किताबें है जैसे का नाम सुन सुनने की भी पर जामे कहते हैं वो किताब जिसमें हर बात की हदीस जामे का हुक्म ही है, किताबों में लिखा है कि जिसमें आठ अबवाब की हदीस है वो जामे, वो जो आठ अबवाब है वो आठ काले की अबवाब है, उससे आगे नौवां कोई बात ही नहीं है, उससे आगे नौवां कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए तालीम लगवा आठ जो अफवाह उनको रट कर दूसरे दिन बोल जाते जो आठ अफवाह जिस किताब में होते हैं वो जाने कैसा की है, वो आठ अफवाह क्या है वो रटने की जरूरत नहीं, मतलब बगैर रटने यू कहो जिसमें हर बात के लिए क्योंकि अफवाह ही आठ में नौवा तो कोई बात ही नहीं, लिहाजा जिस किताब जो किताब जाने वो किताब लेगी जिसका हर बाप के हदीसों को सारे जिंदगी के जितने अफवाह हो अपनी जिंदगी की हुजूर की जिंदगी हुजूर की जिंदगी के जितने अफवाह तुम तकसीम कर सको वो सारे अफवाह के हदीस जिस किताब में हो जाओ। इस एतबार से दो किताबें जाने हैं बुखारी शरीफ और दिल्ली की शरीफ, इन दो किताबों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सारी अबवाब की हदीस है और अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम शरीफ जामे नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ में किताब तफसीर नहीं, कुल तीन सफे में किताब तफसीर है, मुस्लिम शरीफ की किताब तफसीर के कुल तीन सफे हैं और वो तीन सफे भी नीचे से इमाम नवी ने वो सारा ऊपर ज्यादा सा सफा होता है। तो इसलिए मुस्लिम शरीफ में तफसीर की रिवायत न होने के दर्जे और तिरमिजी शरीफ में किताब तो तफसीर इतनी बड़ी है कि महीना पढ़ते 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 तुम समझाओ। इमाम बुखारी अलैहि रहमत की किताब तफसीर भी बहुत बड़ी है अगर जो उसमें रिवायत कम है उन्होंने मुफरदात की शरह ज्यादा कर रखी, इसलिए जामे यानी हुजूर की जिंदगी के इससे ताल्लुक रखने वाले सारे ही अफवाह के दो किताबों में है जामे बुखारी और जामे की यही दो किताबें जामे। इस एतबार से अगर आप चाहें जाने कहें और उस एतबार से अगर आप चाहें तो सोलन कहें, दोनों वस्तु ये अपने अंदर लिए हुए। एक साहब फतवे भी देते हैं और कोर्ट में फैसले भी करते हैं काजी जी, अब इनको क्या कहना है, मुफ्ती साहब कहना है या काजी साहब कहना है, तुम्हारा इच्छा है कह लो, दोनों वस्तु अपने अंदर लिए हुए हैं। सुबह से दो बजट तक फौरन में फैसले करते हैं काजी साहब है और दो बजट के बाद में काजी साहब घर का पुत्र लिखते हैं और मुफ्ती साहब है। अब ये कि कोई एक काम जब पड़े
मुक्ति या काफी जब फल ऐसा होता है तो यहां नाम चला हुआ है सोलन की भी चला हुआ और उसे ख्याल करता है जैसा मुद्दा हो मसाई तो माजा सोलन है ऐसी ये सोलन नहीं ऐसी सोलन नहीं इतिहास को सोलन का लफ्ज चल पड़ा है वरना हकीकत में ये दोनों वस्तुओं के लिए जाने हैं जाने भी है और सोलन भी मुस्तकल लाते को फलाती इसमें पूरी इकदार में बल्कि तमाम किताबों से ज्यादा मुस्तकल लाते को फला है और बुजुर्ग की जिंदगी के सारे ही अब आपसे मुतासिर होने की चिंता है उसके बाद हजरत ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अल हाफी ये इमाम की बीती अली रहमा के साथ अल हाफी अल हाफी के माने हैं कुरान करीम का हाफी वो माना यहां नहीं कुरान करीम को भी हाफी कहते हैं लेकिन अरबों के यहां पहले भी और आज भी हाफिज कुरान के लिए हाफिज हाफिज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता कहीं कहीं होता लेकिन हाफिज का असर कहीं कश्मीरिया का कहीं का है तो कहीं कहीं होता लेकिन इंडिया का तो कोई इस्तेमाल नहीं करते जैसा बात यहाँ कुरान का हाफिज के लिए हाफिज का इस्तेमाल करता है वो इतना बड़ा भी इस्तेमाल करता फिर वो क्या इस्तेमाल करते हैं कुछ भी इस्तेमाल करते क्यों उनका कोई हाफिज होता ही ये तो दौलत अल्लाह ताला ने अजम को दी क्या अजम में आप एक एक गांव में आपको दस दस हाफिज मिले 25-25 हाफिज मिलेंगे और तक हाफिज मिलेंगे अरब हमारे में चले जाओ ये सूरत का हाल नहीं है कि गांव के गांव बस्तियां की बस्तियां ढूंढ लोगे तो कहीं उसके पास पूरे हाफिज मिलेगा वहां भी ढूंढ देंगे नजरात की तवज्जो अभी पिछले दिनों में रोगों के और रोगों की गवर्नमेंट ये सिलसिला बढ़ाने के लिए हित का सिलसिला बढ़ाने के लिए ऐलान किया मुकाबला